आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए दो प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सोशल मीडिया पर बांसगांव के सांसद व चिल्लू पार के नव निर्वाचित विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक अभियुक्त को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गोरखपुर महाराजगंज के जन सूचना अधिकारियों के साथ राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने जन सूचना अधिनियम के लंबित प्रकरणों का कलेक्ट्रेट सभागार में किया समीक्षा बैठक। 30 दिनों के अंदर सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण के लिए भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। कहा, चुनाव जीतने के बाद पार्टी की अपेक्षाओं पर उतरने का करूंगा प्रयास। सभी वर्गों का किया जाएगा विकास। गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने किया नामांकन। कहा, चुनाव जीतने पर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का शत प्रतिशत किया जाएगा निस्तारण। जिला पुलिस ने होली पर्व पर खलल डालने वाले 123 अभियुक्तों का किया चालान। एसपी सिटी सोनम कुमार ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ भवन में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद की अगुवाई में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर की उज्जवल भविष्य की कामना। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए दो नए कोरोना संक्रमित मरीज फिर से लेते हैं। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए दो नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 216। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और कचहरी क्लब में स्थित 10 दिनों तक चलने वाले शिल्प बाजार का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। शिल्प बाजार में लगे विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन। कहा, शिल्प बाजार के माध्यम से हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा।